यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सियाराम, आप सबका पुनः स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से। शंख घर में रखने और बजाने के क्या क्या फायदे हैं अर्थ धर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या स्त्रियां शंख बजा सकती हैं, इस पर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का कहना है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए और कुछ की मान्यता है कि स्त्रियां शंख बजा सकती हैं। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। बस आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, आप घर बैठे ज्योतिष परामर्श हमारे द्वारा ले सकते हैं। उसके लिए आप बस जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करें, नंबर लें और फिर विस्तार से कुंडली का विश्लेषण होगा। आप जितने भी प्रश्न पूछें, और समय की कोई बाध्यता नहीं है। घर में शंख रखने और बजाने के क्या क्या फायदे हैं? ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया, क्योंकि लक्ष्मी जी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक है। 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक शंख भी है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहां तक इसकी आवाज जाएगी, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से लक्ष्मी नारायण इत्यादि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पुराण में ये कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। शंख की आवाज लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं, इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती हैं। कुल मिलाकर के सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं कीटाणुओं का नाश हो जाता है, और इससे संबंधित कई टेस्ट हुए हैं और इस तरह के नतीजे मिले हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंख के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग बिना एक्सपर्ट या जो वैद्य हैं उनकी सलाह से ही किया जाना चाहिए। हम तो यहाँ महत्व की जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। शंख बजाने से, जो कि आप स्वाभाविक रूप से रोज़ कर सकते हैं और रोज़ करना भी चाहिए, शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित रूप से शंख बजाए तो वो बीमारी से मुक्त हो सकता है। उनमें से कोरोना में भी लाभप्रद है, क्योंकि कोरोना हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों को ही नुकसान पहुँचा रहा है, तो नित्य शंख बजाने से इसमें भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये दांतों के लिए भी लाभदायक है।
शंख में कैल्शियम, फास्फोरस एवं गंधक के गुण होने की वजह से ये फायदेमंद है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या स्त्रियों को भी शंख बजाना चाहिए? जी हाँ, पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शंख बजा सकती हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष लोग ही शंख बजाएं और स्त्रियां नहीं, लेकिन जो स्त्रियां गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं या मासिक धर्म में चल रही हैं, तो ऐसी अवस्था में महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो उस समय हमारा जोर या जो फोर्स लगता है वो नाभि पर पड़ता है, और अगर गर्भवती स्त्री शंख बजाती हैं तो उसके होने वाले बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को एवं मासिक धर्म चल रहा हो तो शंख बजाने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए या उनको नहीं बजाना चाहिए। शंख बजाने के क्या वैज्ञानिक फायदे हैं? शंख बजाने से आसपास के सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, और इसके साथ जब हम शंख को बजाते हैं तो श्वास संबंधी बीमारियों में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। वो अस्थमा हो, नॉर्मली डस्ट एलर्जी हो, इस तरह की समस्याओं में हमें लाभ तुरंत मिलने लगता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। तो ये बहुत साइंटिफिक है। जिन लोगों को नौकरी या काम धंधे का तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उन्हें भी शंख बजाना चाहिए। शंख बजाते समय दिमाग से सारे विचार चले जाते हैं, इससे तनाव काम करने, जो तनाव हमारा होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम होता है और हम अपने काम में ज़्यादा फोकस होते हैं। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती है। ये दांतों के लिए तो लाभप्रद है ही। शंख नियमित रूप से घर में हम सबको बजाना चाहिए और आज के परिवेश में बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो 5 बार शंख ध्वनि करें। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में यह जिक्र है कि अगर श्वास का रोगी नियमित रूप से शंख बजाए तो अस्थमा, दमा जैसी बीमारी भी दूर होती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज से सोई हुई भूमि, यानी जो भूमि मृत है, बहुत ही नेगेटिव लिए हुई हुई है, तो वो जागृत हो जाती है, क्योंकि वास्तु में जमीन शोधन का महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सोई हुई भूमि भी जागृत हो जाती है। शंख से जुड़ी कुछ अद्भुत एवं रोचक जानकारी, बड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, समानता ये सबको जानकारी है, तो क्यों नहीं बजाया जाता? बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका हुआ रहता है, ऐसे में शंख बजाने से इससे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है। परिसर में शंख ना बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। वो क्या कारण है? शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी, और तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। चूंकि हिंदू धर्म में विजय पर शंखनाद करते हैं, आपने महाभारत भी देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, तो विजय होने पर शंखनाद किया जाता है। लेकिन विष्णु जी चूंकि लक्ष्मी जी का वो पूजन कर रही थी, ध्यान में मग्न थी, उनका ध्यान भग्न ना हो, इस कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाद में शंख नहीं बजाया जाता। तो ये एक वैज्ञानिक कारण और ये आध्यात्मिक कारण। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव शंख ध्वनि करते थे, उनके शंख मशहूर हैं। तो क्या आपको मालूम है उनके नाम क्या हैं?
चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, और धनुर्धारी अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पौंड्रा, और महाबलशाली भीमसेन की शंख की ध्वनि के सामने बड़े से बड़े योद्धा को अपने कानों से सुनाई देना बंद हो जाता था। और पांडवों में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम था, और वहीं सहदेव के शंख का नाम था पुष्पक, और नकुल के शंख का नाम था सुघोष मणि। सुघोष मणि। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया आपसे निवेदन, इसको अपने मित्र अपने परिवारजनों को अवश्य शेयर कीजिए। प्रत्येक सप्ताह राशिफल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।